हाय दोस्तों, आज हम फिटिंग करने वाले हैं वरना बिल्डिंग करेंगे। जो असेंबली कर रहे हैं अभी, इसका शाफ्ट है जो हमने रिप्लेस किया है सेकेंड हैंड से। शाफ्ट इसका पूरी तरीके से पूरा चला गया था, और ये रहा पिस्टन जो इसी का है पुराना, एक पिस्टन चला गया था इसने, हमने इसको रिप्लेस किया। और रिंग्स लगाने का मतलब जिसका जो नाम रहता है कंपनी का नाम, वो ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल ऊपर की साइड ही है। और पिस्टन का कंडीशन अच्छा था, इसीलिए हमने यही पिस्टन रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसका नया वाला बहुत कॉस्टली है, और ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से हमने उसे छोड़ दिया। एक कनेक्टिंग रॉड और एक पिस्टन हमने ये सेकेंड में डाला है, काफ़ी कंडीशन अच्छा ही है। देखो आप इसका दोबारा से, काफ़ी कंडीशन एकदम मतलब नया की तरह ही है। JWB का इसमें आया था, और इसमें बेयरिंग सब ने हमने रिप्लेस किया है, और पिस्टन देखो लगा के बाद इंजन फिटिंग करके देखते हैं कैसा रहता है। इसका ऑयल रिंग का ही एक कंप्रेशर रिंग का, कार्बन रिंग कंप्रेशन का ऑयल का निशान आपको पतला सा दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से बैठा है रिंग्स में। ये पतला निशान है ऑयल का, और हम इसको चेंज कर रहे हैं पैकिंग इट चेरी में, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी, और काफ़ी अच्छी चीज़ सब प्रोवाइड करती है। ऑयल सील हो गया, ये स्टम सील है, और ये पैकिंग किट में बहुत सारी चीज़ दी है, वर्ल्ड और पैकिंग, मैनिफोल्ड पैकिंग, हेड गैसकेट, सभी चीज़ देकर है। और इसका गैसकेट ये चेरी का ना बन है, जो कि बहुत बकवास रहता है, बहुत बकवास रहता है। और इसका हेड गैसकेट दिखा रहा हूँ कहाँ है ये, और ये रहा हेड गैसकेट, काफ़ी अच्छी है, और हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं मैकेनिक लोग। इसके पैकिंग किट आता है इसमें 101.6 के लिए, और इसका ये हेड गैसकेट लगा दिए हैं, इसका हेड पूरा चला गया है, और हम हेड चेंज करने वाले हैं एक सेकेंड हेड से। इसका कंडीशन देखिए, हेड का वॉल पूरा अंदर ही चला गया, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया हेड। और इसमें पुराना वाला हेड में इसका बुलेट फंस गया था, का हमने कटिंग शेयर से निकाल दिया है, और लॉकर तो सब सारे अच्छे हैं, और ये बुलेट जो हम चेंज करने वाले शिफ्ट से MGP का डालने वाले हैं, काफ़ी सेम ही रहता है। और ये प्ले आ गया, सभी बुलेट 16 के 16 भी प्ले आ चुका है, बिल्कुल भी एक भी अच्छा कंडीशन का नहीं है। इसका टाइमिंग का मार्क देख लो आप, इनटेक एग्जॉस्ट का ये है, और हाई प्रेशर पंप का ये है, हाई प्रेशर पंप टू कैम था, और ये हाई प्रेशर पंप टू क्रैंक्स पुली के लिए है, TDC पोजीशन पर, काफ़ी गजब की टाइमिंग रखनी चाहिए। और ये कार चालू है,